हेलो, मेरा नाम है संचित्र। आप देख रहे हैं टेक बार और ये है ROG फोन 2। भाई मानना पड़ेगा ASUS ने किल कर दिया है सारे स्मार्टफोन को। 38,000 रुपीज़ में इससे अच्छा स्मार्टफोन अभी तक कोई नहीं है, इससे अच्छी स्पेसिफिकेशंस अभी तक कोई नहीं है और ये बहुत ही बड़ी बात है। और अच्छी बात तो ये कि अभी रिसेंटली इसका अपडेट आया जिसका मैं वेट कर रहा था, उसके बाद ही मैं रिव्यू करना चाहता था। पूरा फुल रिव्यू है और लॉन्ग टर्म रिव्यू है। अगर इन शॉर्ट मैं इस फ़ोन को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल सी बात बोलूँगा, आपको बहुत ही सस्ते में एक स्पोर्ट्स कार मिल रही है। इससे अच्छा एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता आपको। अगर मैं रिव्यू को स्टार्ट करूँ, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिज़ाइन के बारे में। सीधी बात तो ऐसी है, बहुत ही किलर डिज़ाइन है मेरे हिसाब से। भाई अगर कोई भी एक्सेप्ट करना चाहे, एक नॉर्मल पब्लिक भी एक्सेप्ट करना चाहे गेमर्स के अलावा, तो भाई बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इतना ज़्यादा सॉलिड फील होता है हाथ में कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा फ़ोन है, अगर आप कंफर्टेबल फ़ोन ढूंढ रहे हो तो हो सकता है कि आपको ये बहुत ही अनकंफर्टेबल लगे, ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी और बड़ा फोन में आ जाता है। बट पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस फोन का हीट सिंक। अगर इस फोन में अगर आप गेमिंग करते हो तो सिर्फ इसी वाले एरिया से गर्म होता है और कहीं पर भी ये फोन गर्म नहीं होता, तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को। और ऊपर से ये जो ROG का लोगो है मिडल में, इसमें बहुत अच्छी लाइटिंग आती है और RGB इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है, अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही कूल लुक देता है फोन को, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को ये। और वहीं पर अगर मैं इसके कैमरा मॉड्यूल के बारे में बात करूं, तो इतना अच्छा कैमरा मॉड्यूल अभी तक हमें किसी भी फ़ोन में नहीं देखने को मिला है। और बेस्ट बात तो ये कि इसमें कोई भी कैमरा बम भी नहीं है, ये उठा हुआ भी नहीं है, तो ये भी मेरे को बहुत कूल चीज़ लगी। इससे भी ज़्यादा कूल चीज़ मेरे को लगी इस फ़ोन के स्पीकर्स। इतने अच्छे स्पीकर्स अभी तक किसी भी फ़ोन में नहीं है और ये सीधा क्लेम है मेरी साइड से। और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि डुअल स्पीकर्स, क्योंकि नॉच आने लगी है, डुअल स्पीकर्स तो किल होते चले गए हैं 2019 में, इस फ़ोन में भाई डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऊपर से इसके अंदर हमें आउटडोर मोड भी देखने को मिल जाता है जो कि और भी ज़्यादा लाउडनेस को बढ़ा देता है। इन शॉर्ट वो ट्रेबल बढ़ा देता है जो कि कानों में थोड़ी सी चुभती भी है। मैं तो उसको ऑफ ही रखता हूँ, बट अगर आप वैसे भी इसको यूज़ करोगे बहुत ही क्रेजी स्पीकर्स है और होने भी चाहिए क्योंकि गेमर्स के लिए फ़ोन बनाया था बेसिकली, तो क्योंकि वो गेम खेलेंगे तो सीधा फ्रंट फायरिंग स्पीकर होने चाहिए जिससे बहुत अच्छा गेम एक्सपीरियंस रहे, मज़ा आ जाता है भाई। अगर मैं बात करूं इसके पोर्ट्स के बारे में, तो पहली बात ये कि यहाँ पर हमें दो टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। मेरे को लगा नहीं था कि एक फ़ोन के लिए बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, बट हाँ, क्योंकि एक नीचे वाला जो पोर्ट है वो कवर करके रखा हुआ है जिससे एक्सेसरीज ऐड हो जाए अलग अलग, जैसे फ़ैन हो गया जो कि इस फ़ोन को बिल्कुल भी हीट नहीं करेगा अगर आप बहुत ही हैवी गेमिंग करते हो, और ऐसी बहुत सारे एक्सेसरीज हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आ रही है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गया इस फ़ोन से। अगर मैं बात करूँ हेडफोन जैक के बारे में, तो आउटपुट बहुत ही क्रेजी है, काफ़ी अच्छा आता है। जब PUBG खेलते हैं ना, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आता है कि भाई कहाँ से कौन आ रहा है। बहुत अच्छा आउटपुट लगा मेरे को इसका। और अगर मैं बात करूँ ईयरपीस की लाउडनेस के बारे में, तो मैंने इससे बहुत सारी फ़ोन कॉल्स ली है, भाई बहुत ही अच्छा ईयरपीस है। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी फुल, अगर आप आवाज़ बढ़ाओगे ना तो आसपास वाला कोई आपके खड़ा है तो उसको आवाज़ सुनाई देगी। तो अगर आप इसको खरीदने का प्लान कर रहे हो तो अगर आप कॉल उठाते हो और प्राइवेट कॉल है तो पूरी आवाज़ को डाउन कर लेना क्योंकि बाहर आवाज़ जाती है, तो ये बताना बनता था, मेरे साथ हुआ है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल फ़ोन लगा है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि कोई भी इसको कितनी भी ताकत लगा के बेंड कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे स्ट्रॉन्ग फ़ोन मैंने अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के बटन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही क्लिकी बटन है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगे, ये भी एक अच्छी बात होती है। और उससे भी कमाल बात यह है कि इसके जो हैप्टिक फीडबैक है बहुत ही अच्छा है यार। इसके अंदर दो वाइब्रेशन मोटर लगी हुई है, एक लीनियर एक सर्कुलर, जो दोनों कॉम्बिनेशन करके 4D वाइब्रेशन देती है जो गेमिंग के टाइम पे बहुत ही कूल रहता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उसका भी, मैं हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा बोल रहा हूँ वैसे, जो कि ये डिज़र्व भी करता है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके जो पोर्टेबिलिटी के बारे में, कि मेरे को थोड़ा सा लगता है कि फ़ोन हैवी है, तो अगर आपको हैवी फोन्स नहीं पसंद तो हो सकता है कि ये थोड़ी सी आपको दिक्कत दे। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में, तो आप में इसको बहुत अच्छा समझ सकते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं खुलता। मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट किया, फिर मैंने मल्टीपल फिंगर्स जो है इसको रजिस्टर करके उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ठीक लगाई, बट हाँ इसको मैं कहना चाहूँगा ओके है, बिल्कुल बहुत बुरा नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं है। एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इन दिनों में मैं कहीं पर भी इस फ़ोन को लेकर गया ना, हर किसी ने पूछा है कि ये कौन सा फ़ोन है। इनफैक्ट जनरल पब्लिक ने भी, जो मेरे को जानते भी नहीं, उन्होंने भी फिर भी मुझसे मुड़ मुड़ के पूछा है कि ये कौन सा फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली भाई, जिसमें इतना अच्छा कैमरा मॉड्यूल है, ऊपर से अगर आप इसमें सर्किट लाइंस देख रहे हो जिनके अंदर रेनबो इफेक्ट देखने को मिल जाता है, हीट सिंक अलग से बहुत ही कूल दिखता है, और फ़ोन ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसकी प्रेजेंस है ना इस फ़ोन की,
बेस्ट है मेरे हिसाब से। बहुत ही कूल लुकिंग फ़ोन है जो कि अभी तक सबसे रिफ्रेशिंग चीज़ है इस फ़ोन की। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के फ्रंट के बारे में, तो डिस्प्ले तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बट यहाँ पर अगर आप ऊपर और नीचे की तरफ देखोगे हेड और चिन, वो हमें मोटा देखने को मिलता है क्योंकि हमें इसमें डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। बट पता है इस डिस्प्ले में सबसे ज़्यादा खास चीज़ क्या है? एक तो इसकी कलर एक्यूरेसी, बहुत ही एक्यूरेट डिस्प्ले है ये, और वहीं पे जो इसके रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्स, और ऊपर से ये ओलेड डिस्प्ले है। ये सबसे पहला फ़ोन है जो ऐसी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है, जैसे इतनी कमाल की डिस्प्ले है जिसकी। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने इस फ़ोन को 120 हर्ट्स पे तो नहीं यूज़ किया, मैंने 90 हर्ट्स पे ही किया है। और क्योंकि उससे बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च होती है 120 हर्ट्स पे, और नॉर्मल आप UI को 120 हर्ट्स में यूज़ करके क्या ही करोगे। अगर आप कुछ भी ऐसी कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करनी है, तब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, 120 हर्ट्स पे शिफ्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि बैटरी भी बहुत बड़ी है इस फ़ोन की, तो खर्च इतनी जल्दी होगी नहीं। बट हाँ, आप इसमें 120 हर्ट्स भी ऑन कर सकते हो, और है फीचर बहुत ही क्रेजी बात है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसकी डिस्प्ले सेटिंग के बारे में, तो डार्क मोड तो देखने को मिल ही जाता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, मतलब नोटिफिकेशन नहीं दिखती ज़्यादा, तो मैं उसको कुछ खास यूज़ नहीं करता। बट अच्छी बात यह है क्योंकि हमें इसमें LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है, क्रेजी बात है यार ये एक फ्लैगशिप फ़ोन में आ जाता है और इसके अंदर LED नोटिफिकेशन लाइट है, और क्या चाहिए। बट ये कि हमें इसमें डुअल नैनो सिम देखने को मिलता है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो ये आप इसमें स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, जो कि मैं कहूँगा भी नहीं आप स्टोरेज को एक्सपेंड करो, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी माइक्रो SD कार्ड लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली इस फ़ोन की परफॉर्मेंस को स्लो करेगा, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर कोई भी वीडियो चला के आप लोग को दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक्यूरेट कलर्स है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, मेरे कोई भी शिकायत नहीं है। बस मुझे एक ही है कि इस फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो मेरे को थोड़ी सी कम लगी। एक तो दो चीज़ें आ जाती है ब्राइटनेस के अंदर, कि अगर मैं इसकी ब्राइटनेस पूरी लो करना चाहूँ तो वो बहुत ज़्यादा लो नहीं होती, तो अंधेरे में थोड़ी सी आंखों में चुभती है। और वहीं पे अगर मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में जाता हूँ, धूप में जाता हूँ, अगर मैं इसकी पूरी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ तो वो मुझे थोड़ी सी कम लगती है। तो मुझे हल्का सा ब्राइटनेस में इशू ज़रूर देखने को मिला, लॉन्ग टर्म में आप लोग को मैं बता रहा हूँ। बाकी डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस डिस्प्ले मैं इसको बोलना चाहूँगा, 120 हर्ट्ज़ होना बहुत ही बड़ी बात है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के कैमरे के बारे में, तो ये हल्का सा वीक पॉइंट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बात करूँ वीवो V17 प्रो की, या फिर इन दिनों में जो भी फ़ोन आ रहे हैं, उनके ना बहुत ही तड़कते भड़कते कलर्स दिखाते हैं वो, बहुत ही ज़्यादा 20 से कलर होते हैं उनके अंदर, तो उसके अगर उनसे कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि ROG Phone 2 का कैमरा ना थोड़ा सा ही नीचे निकल कर आता है। और वहीं पर अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ, तो भाई यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और दूसरा जो है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। अगर मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़े बहुत कैमरा सैंपल दिखाऊँ, तो ये थोड़े बहुत डे लाइट शॉट्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही नेचुरल कलर्स रखे हैं, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर हो रखी है जैसे कि वीवो या फिर और फ़ोनों में होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन में फूड फोटोग्राफी की, जिसके मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है और मैं हर जगह इसको लेकर गया हूँ, मेरे को काफ़ी इन्जॉय किया, ओके शॉट्स आया बिल्कुल, और आप इसको आराम से इंस्टाग्राम पर यूज़ कर सकते हो। इसमें नाइट मोड भी देखने मिल जाता है, वो भी अच्छा काम करता है, और पोर्ट्रेट शॉट्स भी बहुत अच्छे आ जाते हैं इस फ़ोन से, एज डिटेक्शन बिल्कुल ठीक रहती है, और स्किन टोन भी बिल्कुल ठीक रहती है। और सेम चीज़ मैं फ्रंट कैमरे के बारे में भी कहना चाहूँगा, मुझे फ्रंट कैमरा भी बहुत ज़्यादा शार्प और काफ़ी अच्छा लगा, इनफैक्ट फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा अगर आप वीडियो भी कैप्चर करना चाहते हो तो। अब बात करते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में, और इसी वजह से मैंने इस फ़ोन को स्पोर्ट्स कार बोला था, क्योंकि हमें इसके अंदर स्नैपड्रैगन 855 प्लस देखने को मिल जाता है, और इससे अच्छा कोई भी चिपसेट नहीं आ रहा क्वालकॉम की तरफ से, तो ये बेस्ट है, और अभी तक ज़्यादातर फ़ोन में डाला भी नहीं हुआ, सिर्फ 1+7T में आया है। अगर मैं बात करूँ इसके स्टोरेज के स्पीड टेस्ट के बारे में, तो आप लोग को दिखा देता हूँ, 0.96 GB/s की इसकी रीड स्पीड है, और राइट स्पीड भी बहुत अच्छी आई है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली भाई अगर आप गेम्स चलाते हो, कुछ भी लोड करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी खुलता है, इससे कोई भी शिकायत नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि बहुत लोगों को लुभा सकती है, वो ये कि अगर आप इस फ़ोन को फॉर्मेट करके सेटअप करते हो, तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कि आप एक ROG UI पिक कर सकते हो जिसके आइकन्स बहुत ही गेमर्स की फीलिंग वाले है, और या फिर आप स्टॉक एंड्रॉइड पिक कर सकते हो। अगर कोई भी जनरल पब्लिक खरीदना चाहती है और उसको वो गेमर्स वाली UI नहीं चाहिए, तो वो नॉर्मल स्टॉक एंड्रॉइड भी पिक कर सकता है, मैंने स्टॉक एंड्रॉइड पिक करा है। अगर मैं बात करूँ इसके N22 स्कोर्स के बारे में, तो बहुत ही क्रेजी स्कोर्स है, 4 लाख के करीब आए हैं, ये बहुत ही अच्छे स्कोर्स है, और इसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ आप लोग को, ये बहुत ही फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है। अगर आप इसको अभी खरीदते हो, अगले 2 साल तक भूल जाओ, आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ये इतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। अगर मैं बात करूँ गेमिंग के बारे में, क्योंकि इसीलिए आप यहाँ पर आए हो, बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी चल जाती है, PUBG मैंने खेला है, काफ़ी सारे मैंने गेम्स खेले हैं, हीटिंग नहीं है फ़ोन में सरप्राइजिंगली, अगर मैंने जैसे बताया था सिर्फ हीट सिंक ही थोड़ा सा हीट होता है, तो उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस फ़ोन में अगर आप गेमिंग करते हो तो। और अब बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी के बारे में, और फ्लैगशिप फ़ोन होने के बाद भी इस फ़ोन के अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है,
क्रेजी क्रेजी नंबर है बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ अपने बैटरी बैकअप के बारे में, तो मैंने 120 हर्ट्ज़ पर भी इस फ़ोन को यूज़ किया है, तो वो अराउंड आपका डेढ़ दिन तक चल जाता है अगर आप नॉर्मल यूज़ रखते हो, थोड़ी बहुत आप गेमिंग करते हो, कॉल्स उठाते हो, वीडियोस देखते हो। मैं बिल्कुल भी हैवी यूज़ इसकी बात नहीं कर रहा, बट अगर आप 120 हर्ट्ज़ पर पूरे टाइम रखते हो और बहुत ही हैवी यूज़ करते हो, तब भी आप लगा लो रात को आपकी 18% बैटरी बच जाती है। ये थोड़ी बहुत मेरे टेस्टिंग है, बाकी मैंने इस फ़ोन को फॉर्मेट कर देने तो आप लोगों को मैं बैटरी के स्टैट्स भी दिखा देता, क्योंकि मैं फॉर्मेट करके वीडियो बनाता हूँ। बट वैसे अगर मैं बात करूँ इसकी फास्ट चार्जिंग के बारे में, तो इस फोन को टाइम बहुत लगता है पूरा फुल चार्ज होने में, बट मेरे हिसाब से ज्यादा लॉजिकल है कि बड़ी बैटरी दे दो, बहुत ही लेट खर्च होएगी, ज्यादा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फास्ट चार्जिंग होना कोई बड़ा इशू नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि 50 वॉट की चार्जिंग होनी चाहिए थी, 30 वॉट की होनी चाहिए थी, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मेरे हिसाब से बैटरी में किसी को भी शिकायत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो ये सबसे इजी फ़ोन है मेरे लिए बोलना, कि अगर आप वन प्लस देख रहे हो या फिर आप कोई भी फ़ोन देख रहे हो 40,000 से नीचे, आप आँख बंद करके इस फ़ोन को ले सकते हो, ये इतना ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। इससे अच्छी स्पेसिफिकेशंस अभी 2019 में, इससे अच्छी बैटरी, इससे अच्छा मतलब ओवरऑल डिज़ाइन वाली फीलिंग कोई ब्रांड कर ही नहीं पा रहा। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ, आँख बंद करके ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर जरूर जाना और सब्सक्राइब करके हमारी टैगिंग को ज्वाइन कर, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।